सरकार 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश में चरणबद्ध तरीके से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू कर सकती है। रविवार को आई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। इसके मुताबिक देश की निजी एयरलाइन 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग कर रही हैं, वहीं एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक किसी भी उड़ान के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं खोली है। एयर डेक्कन ने आज ही घोषणा की है कि वो अपनी सभी उड़ानों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रही है। उसने सभी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन बातों को कयास करार दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम 14 अप्रैल के बाद से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की अनुमति देने के बारे में सोच रहे हैं। एयरलाइंस 14 के बाद किसी भी तारीख से बुकिंग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ाया जाता है तो उन्हें बुक किए गए टिकट को रद्द करना होगा। एयर इंडिया को छोड़कर सभी प्रमुख एयरलाइंस 14 अप्रैल के बाद से घरेलू बुकिंग ले रही हैं। एयर इंडिया केवल 30 अप्रैल के बाद की तारीखों के लिए बुकिंग ले रही है। संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के बाद एयर डेक्कन कोई भी बुकिंग नहीं ले रही है। सभी कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के बाद अभी ये भी तय नहीं है कि एयर डेक्कन दोबारा संचालन कब शुरू करेगी। राजस्व में आई गिरावट के बाद इंडिगो ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25% तक कटौती की घोषणा की है। विस्तार एयरलाइंस ने भी मार्च में अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को 3 दिनों के लिए बिना वेतन का अनिवार्य अवकाश लेने की घोषणा की है। स्पाइसजेट अपने कर्मचारियों का वेतन 10-30% के बीच कम कर रहा है। एयर इंडिया ने 3 महीनों के लिए केबिन क्रू को छोड़कर हर कर्मचारी के भत्ते से 10% कटौती की घोषणा की है। गोएयर ने अपने कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर काम करने की घोषणा की है। इस दौरान छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने 25 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन किया है। इसके चलते सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि मालवाहक उड़ानें, हेलीकॉप्टर संचालन, चिकित्सा निकासी उड़ानें और भारतीय विमानन नियामक द्वारा सामान्य नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA को इस लॉकडाउन के दौरान संचालन की अनुमति है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने न्यूज एजेंसी की 15 अप्रैल से यात्री विमानों का चरणबद्ध तरीके से संचालन करने के रिपोर्ट्स को अटकलें बताया। 2 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाना बाकी है, हम स्थिति का मूल्यांकन कर ही कोई निर्णय लेंगे। वहीं देश भर में कोरोना के चलते मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल में सोमवार को कोरोना से पहली मौत हुई। 3 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती 52 साल के नरेश खटीक की रविवार रात 12:30 बजे मौत हो गई। रविवार को ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं राजस्थान के कोटा में रविवार रात 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उन्हें बुखार और निमोनिया की शिकायत के बाद शहर के MBS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद सोमवार सुबह आई रिपोर्ट में उन्हें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। देश में अब तक कोरोना से 130 लोगों की जान जा चुकी है।